हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैंडेंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर्च, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्बोरी स्पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकॉस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट, पिट फेस्टिवल, स्टोन गैली, राइस इस्फांसी जैसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केवियल की श्रीमती में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में बेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि
की पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एसटी फैशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है अगेंस्ट न्यूमेट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ युगल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केवल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केवल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को मिफल और बाढ़ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रिकॉशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैनडाइंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सेक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्वोरी स्पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित। मिकॉस फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर
2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्पेन की, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को क्विन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्सहैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट, पिट फेस्टिवल, स्टोन गैली, प्राइस इस्फांसी, जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब वह केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमती में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में पेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है। उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है। अगस्त न्यूमेंट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ युगल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केवल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केवल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को विफल और बाढ़ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रकाशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यही समाप्त
हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैंडेंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लार्सन लैमरड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लासे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर्च, स्टैग ग्लेन, रासी इफ़ान्स, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्वोरिस पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकॉस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट पिट फेस्टिवल स्टोन गैली प्राइस इस फांसी जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब वह केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमति में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में बेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैक मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है अगस्ट न्यूमेट में वैदिक परिवार के साथ
घर में रह रहा है जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ युगल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केबल बेबी प्रेरिस से मिलता है। एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केबल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को विफल और बढ़ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रिकॉशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैंडेंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लासिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्बोरी स्पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकोस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट, पिट फेस्टिवल, स्टोन गैली, राइस इस्फांसी, जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब केवियल एक छोटा लड़का था
तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमति में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में बेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एसटी फैशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है। अगस्त न्यूमेट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ युगल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केवल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केवल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को मिफल और बाढ़ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलबे और प्रकाशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैनडाइंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है।
जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लासे हेलक्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्वोरी स्पेंटल द्वारा संपादित एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकोस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा स्पेनी भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जूडी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट पिट फेस्टिवल स्टोन गैली प्राइस इस फांसी जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब कैवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमती में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में पेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है अगस्त न्यूमेंट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ युगल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केबल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केबल धीरे धीरे एक गहरा
सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को विफल और बाढ़ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रिकॉशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैंडेंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सेक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्वोरिस पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकॉस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट, पीट फेस्टिवल, स्टोन गैली, प्राइस इस्फांसी, जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमति में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है।
पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में बेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैक मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है। अगस्त न्यूमेट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ युगल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केबल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केबल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को विफल और वार्ड से स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रिकॉशन जैक को बेटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैनडाइंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी
जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टैग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्बोरी स्पेंटल द्वारा संपादित एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकॉस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट, पिट फेस्टिवल, स्टोन गैली, राइस इस्फांसी, जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमति में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में पेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एसटी फैशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है। अगस्त न्यूमेट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ न्यूकल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केवल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केवल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को
विफल और बाढ़ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलबे और प्रिकॉशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के स्पिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैनडाइंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्वोरी स्पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोडशन, संगीत दिया है क्रिस्टिफल यंग द्वारा वितरित मिकॉस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को क्विन जूडी टेस के रूप में, एलिंग्सहैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट पिट फेस्टिवल स्टोन गैली प्राइस इस्फांसी जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब कैवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमती में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अज्ञेयकल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में पेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता
पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हैजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहैंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है अगस्त न्यूमेंट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ युगल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केवल बेबी प्रेरिस से मिलता है। एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केवल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को मिफल और वार्ड स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रिकॉशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैनडाइंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सेक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्वोरिस पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकॉस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन
स्पेंसी को क्विन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्सहैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट ब्लेट, पिट फेस्टिवल, स्टोन गैली, प्राइस इस फांसी, जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब कैवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमति में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में बेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैक मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहैंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है। अगस्त न्यूमेट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ न्यूकल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केवल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केवल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को मिफल और वार्ड से स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रकाशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैंडेंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेलक्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर्च, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्बोरी स्पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकॉस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट, पिट फेस्टिवल, स्टोन गैली, राइस इस्फांसी जैसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमति में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में बेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है अगस्त न्यूमेट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया
दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ युगल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केबल बेबी पेरिस से मिलता है। एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है, बेबी और केबल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केबल को पता चलता है कि प्राचीन केबल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केबल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे वैकल्पिक पट के नाम से जाना जाता है। केबल को मिफल और वार्ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रकाशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रकाशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैंडेंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्वोरी स्पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकॉस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को क्विन जूडी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट पिट फेस्टिवल स्टोन गैली प्राइस इस फांसी जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में
होने पर केविल की श्रीमती में फिर से उभर आती हैं। केविल जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में बेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहैंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है। अगस्त न्यूमेंट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ युगल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केवल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केवल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को मिफल और वार्ड स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रिकॉशन जैक को बेटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैनडाइंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सेक वाली किताब पर आधारित है।
निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेक्वर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरेन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर्च, स्टेग ग्लेन, रासी इफ़ान्स, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्वोरी स्पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकॉस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्सहैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट, पिट फेस्टिवल, स्टोन गैली, प्राइस इस्फांसी, जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब वह केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमति में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में बेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहैंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है। अगस्त न्यूमेट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ न्यूकल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केबल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केबल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया केवल को।
पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्पट के नाम से जाना जाता है। केवल को विफल और बढ़ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रकाशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैंडेंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट, कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्बोरी स्पेंटल द्वारा संपादित, एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकोस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा स्पेन, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जुड़ी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट, पिट फेस्टिवल, स्टोन गैली, राइस इस्फांसी, जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमति में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अगे कल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है।
बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में बेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है अगस्त न्यूमेट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ न्यूकल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केवल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केवल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे वैकल्पट के नाम से जाना जाता है। केवल को मिफल और वार्ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रिकॉशन जैक वेडल उसके बजाय उन्हें एटोल के मतलब और प्रिकॉशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के सिपिन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सिपिंग समाचार मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की कैनडाइंस स्टीडिंग अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लाशिन लेमेड्रेगी ने किया है, जो एनी प्रोलेक्स की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी किर्सिक वाली किताब पर आधारित है। निर्देशक लाशे हेल्क्रोम, पटकथा की है रोबोट लेशन जेकवर्स पर आधारित एलिन प्रोलेक्स द्वारा, नोवन समाचार द्वारा निर्मित रोवन कोविल, लेसी हरन, इवरन बिकलर अभिनीति, केविन स्पेंसी, जूनियर मोर, जॉनी ड्रेगर, स्टेग ग्लेन, रासी इफांस, पिट फ्रेस्टवेट,
कैट ब्लेचेट, छायांकन एल्बोरिस पेंटल द्वारा संपादित एरेक्टिव मोशन, संगीत दिया है क्रिस्टोफर यंग द्वारा वितरित मिकोस फिल्म, रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2001, कार्यकारी समय 111 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्पेन की, भाषा अंग्रेजी, बजट 38 मिलियन। यह केविन स्पेंसी को केविन जूडी टेस के रूप में, एलिंग्स हैम और जूलियन मोर को बेबी प्रोजो के रूप में प्रस्तुत करता है। कैट प्लेट पिट फेस्टिवल स्टोन गैली प्राइस इस्फांसी जेसन बेहतर और गार्ड विस्टेन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जब वह केवियल एक छोटा लड़का था तो उनके पिता गाय ने उसे स्वाभाविक रूप से तैरने की उम्मीद में झील में फेंक दिया। पानी में बहने और लगभग डूबने की छवियां अक्सर तनाव में होने पर केविल की श्रीमती में फिर से उभर आती हैं। केविल, जो अब न्यू योजल के पेक्सिवल के एक छोटे से अखबार में स्थानीय लाने वाला है, एक अज्ञेयकल जीवन व्यतीत करता है। वह मनोहित हो जाता है और पटेल नाम की एक जीवित स्थानीय महिला से शादी कर लेता है। पटेल एक विफल पत्नी है और अपनी 6 साल की बेटी बनी की लापरवाही माँ है। बेटल अपने प्रेमी के साथ बनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में पेटल और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है। पुलिस बनी को केवल को लौटाती है, उसे सूचित करती है कि पेटल ने उसे शेजर में एक ब्लैकल मार्ट एस्टिफेशन ऑफिसर में बेच दिया। उन घटनाओं से कुछ समय पहले वेपल के पुजारी माता पिता एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। केवल की जांची हेजन हम अपने दिवंगत भाई को सम्मान देने के लिए आती है। हालांकि उसका असली मकसद गाय की राख को चुराना है, जिसे वह बाद में एक आउटहेंस शेड में फेंक देती है और पेशित करती है। अगस्त न्यूमेंट में वैदिक परिवार के साथ घर में रह रहा है, जिसे 44 वर्ष से छोड़ दिया गया है। एलन कुछ और दिनों तक रहने के लिए सहमत हो जाता है। केवल को उसकी हालिया दांता पुतली में मदद मिल सके, फिर उसे उसके साथ न्यूकल जाने के लिए राजी कर लिया। एक नया जीवन बनने के लिए संघर्ष करते हुए प्रत्येक घर को बहाल करने और बनी को देखभाल करने के लिए केवल बेबी प्रेरिस से मिलता है, एक विधवा जिसका छोटा बेटा हैरिल सीखने की अक्षमता है। बेबी और केवल धीरे धीरे एक गहरा सबूत विकसित करते हैं। बेबी अंत स्वीकार करती है कि वह विधवा होने का दिखावा करती है। शर्मा आती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसके पिता ने छोड़ दिया। केवल को पता चलता है कि प्राचीन केवल समुद्री डाकू थे जो जहाजों को घेर लेते थे और उन्हें पूरी तरह से लूट लेते थे। जब उन केवल को बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें अपने घर को एक जमीन हुई झील के ऊपर अपने वर्तमान स्थान पर स्थित कर दिया, जिसे विकल्प के नाम से जाना जाता है। केवल को मिफल और बाढ़ते स्टेशन की नौकरी के आवेदन करता है। मालिक और प्रकाशन जैक वेडल उसके बजाय
उन्हें एटोल के मतलब और प्रकाशन जैक को बैटल के बजाय उन्हें अटल के मतलब और शहर के स्पेन समाचारों को कवर करने वाले एक रिपोर्टर के रूप में काम करते रहते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।